मैं दिखाता हूँ कि अगर जान बचाने की अगर मंशा हो और कोई कुछ करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये देखिए जो मैंने आपको कल दिखाया था, यहाँ पे पाइपलाइन लगा दिया है रेलिंग के सहारे, और ये देखिए एक 16 के 16 रेलिंग के सहारे पाइप में कनेक्ट किया गया है, और देखिए किस तरह से लोगों की जान बचाई जा रही है। ये अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है, जहाँ पे सरकारी तंत्र स्वास्थ्य व्यवस्था सारा फेल है, वहाँ आम जनता किस तरह से मदद पहुँचा रही है, खासकर सिख भाइयों के द्वारा, गुरुद्वारा के द्वारा, खालसा हेल्प इंटरनेशनल के द्वारा। ये देखिए दिखाऊंगी इधर से, अगर देखिए देखिए 16 पॉइंट इस रेलिंग पे लगा दिए, रातों के रात वेल्डिंग करा के पॉइंट लगा दिए गए। देश भर चो ऑक्सीजन की कमी कारण कोरोना मरीजों की बड़ी गिनती चो मौतां हो रही ने, जिसनु देखते हुए एक बार फिर तो सिखां दी धार्मिक ते समाजिक जथेबंदियां ने कोरोना पीड़ित मरीजों लई अपने दरवाजे खोल दिते ने। तस्वीरां यूपी दे गाजियाबाद दे इंदिरापुरम गुरुद्वारा साहिब दियां ने, जिथे खालसा हेल्प इंटरनेशनल वालों कोरोना मरीजों नु मुफ्त च ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा रही है। तस्वीरां च साफ साफ देखा जा सकता है कि इस संस्था वालों कोरोना मरीजों लई गुरुद्वारे की रेलिंग नाल ही ऑक्सीजन पाइप फिट कर दी गई है, जिस राही कोरोना मरीजों नु मुफ्त च ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं दिखाता हूँ कि अगर जान बचाने की अगर मंशा हो और कोई कुछ करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये देखिए जो मैंने आपको कल दिखाया था, यहाँ पे पाइपलाइन लगा दिया है रेलिंग के सहारे, और ये देखिए एक 16 के 16 रेलिंग के सहारे पाइप में कनेक्ट किया गया है, और देखिए किस तरह से लोगों की जान बचाई जा रही है। ये अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है, और मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को समझेंगे, अगर कुछ करने की आप ठान लेते हैं और कोई करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जहाँ पे सरकारी तंत्र स्वास्थ्य व्यवस्था सारा फेल है, वहाँ आम जनता किस तरह से मदद पहुँचा रही है, खासकर सिख भाइयों के द्वारा, गुरुद्वारा के द्वारा, खालसा हेल्प इंटरनेशनल के द्वारा। ये देखिए किस तरह से लोगों की ज़िंदगी बचाई जा रही है, देख रहे हैं। ये शाम का वक्त है और सारे हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब सवाल ये है कि अगर कोई सोच ले कि सेवा करनी है समाज की, तो आप किसी भी तरह से उसको कर सकते हैं। और इस तरह से अगर कोई भी कम्युनिटी हो अगर चाहे तो लोगों की जान बचा सकती है। जैसे मैंने कल दिखाया था कि 16 पॉइंट यहाँ पे लगाए गए हैं रेलिंग के थ्रू, और यहाँ देखेंगे आप हर पॉइंट पे ऑक्सीजन कलेक्ट किया गया है, और एक ही सिलेंडर पाइप से रन करा के और 16 पॉइंट उसमें बनाए गए हैं। ये देखिए इस तरीके से लोगों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए देख रहे हैं, देखिए ये देखिए। हाँ, ये बताना ज़रूरी है कि जिस तरह से सरकार का दावा और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बयान देके कि सारा इंतज़ाम है, कहीं कोई कमी नहीं है, तो लोग रोड पे रोक बैठ के ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते, अपने अपने घरों में होते ऑक्सीजन के साथ में या किसी हॉस्पिटल में होते। और बहुत सारे परिजनों से हमने बात करी, जिनका कहना है कि किसी भी हॉस्पिटल में कोई एडमिट नहीं ले रहा है, कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है मेरे पास। ऐसे भी लोग मिले जिनको कहा जा रहा है कि वेंटिलेटर अपना बाहर से लेके आओ। कहां से लोग लाएंगे और क्या करेंगे, और ये सिचुएशन है यहां का। ये देखिए देख रहे हैं, ये देखिए बहुत ही दयनीय स्थिति में लोग अपनी भी किसी तरह से, परिजन भी बहुत परेशान हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको ऑक्सीजन मिल जाए। यहाँ पे जो ला पा रहे हैं उनको बचाने की कोशिश पूरी चल रही है। शाम का वक्त है, यहाँ पे भी भीड़ लगा हुआ है, और मैं दिखाऊँ आपको ये देखिए कार के अंदर में भी मैडम बहुत देर हो गई है, इनके लिए प्लीज आप हॉस्पिटल ले जाइए इनको। हमारे साथ हैं गुरप्रीत सिंह जी, रमी जी, जो पूरे इसके सूत्रधार हैं, और इनकी जो मिसाल है वो अपने आप में बहुत ही, क्या कहें, इतिहास में लिखा जाएगी जिस अक्षर में, वो तो वक्त बताएगा। ये पूरा इनका जो अरेंजमेंट है और एक जो नई सोच इन्होंने शुरू की थी, ये अपने आप में लोगों को एक प्रेरणा दे रहा है कि आप किस तरह से अगर चाहें तो लोगों की मदद कर सकते हैं। रमी जी, जो आपने ये 16 पॉइंट के वो लगाए थे आपने, और ये अपने आप पे एक अद्भुत आपने एक तरीका निकाला। अगर आदमी, आपने ये दिखा दिया कि कोई भी अगर कुछ करना चाहे तो
तो कुछ भी कर सकता है। मैं आपको दिखाऊंगी इधर से, अगर देखिए देखिए 16 पॉइंट इस रेलिंग पे लगा दिए, रातों के रात वेल्डिंग करा के पॉइंट लगा दिए गए। तो रमी जी इनसे बात करते हैं, और क्या सोच आपने लगाई है रमी जी, जो आपने ये काम किया ना, अद्भुत काम है ये काम। अगर आपने दिखा दिया कि एक आम जनता अगर ठान ले तो वो क्या मदद कर सकती है, जहाँ पे सारा तंत्र फेल हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था फेल हो गई, जो बड़े बड़े पावर लोगों ने दिए जिनको चुन के वो फेल हो गए, तो आपने वो कर दिखाया जिसका मिसाल आने वाले वक्त में शायद बहुत सारे लोग देखेंगे। और आपका नाम क्या कहना चाहिए, हर के जुबान पे होगी, जिस तरह से आपने सेवा करी है। सर ये जो काम हो रहा है वाहेगुरु की शरण में हो रहा है, वो निशान साहब की शरण में हो रहा है। दस दी के खालसा हेल्प इंटरनेशनल तो इलावा खालसा एड भी कोरोना मरीजा नु मुफ्त च ऑक्सीजन मुहैया करवा रही है। इसी तरह मोहाली च भी एक फैक्ट्री वालों लोगों नु मुफ्त विच मेडिकल ऑक्सीजन बंडी जा रही है, जिस तो साफ हो गया कि सिख एक बार फिर तो दुख दी घड़ी च लोगों दी बांह फड़न लई अगे आए ने। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।